अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ब्रांड न्यू अल्ट्रा लग्जरी हाउस लेके आया हूँ फॉर सेल के लिए, जो कि लोकेटेड है नियर टू बुलेवार्ड, नियर टू पार्क। बहुत ही लग्जरी लोकेशन आती है और लग्जरी आर्किटेक्ट डिज़ाइन हाउस है। और इस घर को आप अगर आपका फुल वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। और एक इसके अंदर स्पेनिश लुक आती है, इटालियन लुक भी आती है, इसको हर तरीके से इन्होंने मैनेज किया। इसका आप फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं किस तरह का इन्होंने डिज़ाइन किया है। और बाहर आप देख सकते हैं, बाहर भी बहुत बड़ा लॉन दिया गया है और इसके इंटरनल साइड भी बहुत बड़ा लॉन दिया गया है। इसका कार पोच आप देख सकते हैं, इसके आप फ्रंट पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने टफ टाइल का किस तरह यूज़ किया गया है। और बाहर भी आप कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और घर कार पोच के अंदर भी आप 2 से 3 गाड़ियाँ पार्क ईजिली पार्क कर सकते हैं। फुल हाइट की लोकेशन है। अच्छा, तो व्यूवर्स चलते हैं हम इस घर का, मैं आपको इंटरनल का सारा विज़िट करवाता हूँ और इस घर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। चलते हैं व्यूवर्स इस घर के इंटरनल विज़िट की तरफ। अच्छा, तो व्यूवर्स ये आ जाता है कार पोर्च, और कार पोर्च आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, इतना अच्छा डिज़ाइन किया है। साइडों में वॉल रॉक है और सामने जो है वो स्टोन टाइल का यूज़ किया गया है। और इस तरफ देखें कि कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट और मेनटेन किया हुआ है। इस चीज़ ने तो लुक घर की और ज़्यादा निकाल दी कार पोर्च की। अगर हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी लश ग्रीन लॉन दिया गया है, लेकिन रात के टाइम जो है वो सही से व्यू नज़र नहीं आ पाएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ से है जी घर की मेन एंट्रेंस। ये घर की मेन एंट्रेंस आ जाती है, आप मेन एंट्रेंस को देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से डिज़ाइन की है। घर जो है बहुत ही लग्जरी आर्किटेक्ट डिज़ाइन, इटालियन हाउस जो है ना, इन्होंने उस तरह का इन्होंने थीम दिया हुआ है इस घर के अंदर। और इस घर का जो है मेन चीज़ कि आप इस घर का डोर देख सकते हैं वीडियो के अंदर, बहुत ही हैवी डोर है, सॉलिड एश वुड के अंदर। और ये इतना बड़ा साथ इन्होंने हैंडल दिया हुआ है जिसको इजीली जो है आप इसको डोर को जो है क्लोज कर सकते हैं और इजीली आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये आप डोर देख सकते हैं इसके अंदर कितनी हाइट है इस डोर की, और पूरा प्रॉपर सॉलिड डोर बना हुआ है। इतना बड़ा सा इन्होंने साथ हैंडल दिया है तो ईजीली जो है ना आप इस डोर को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, तो इंटर होते ही कुछ आपको ऐसा व्यू नज़र आता है, डबल हाइटेड रूफ रखी गई है। अगर इस तरफ आते हैं तो ड्राइव ड्रेन दिया गया इस तरफ, इसका सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन आ जाता है। और सामने पाउडर रूम रखा गया है और सामने जो है एक बड़ा ग्लास रखा गया है ताकि आपको बाहर का व्यू भी जो है सीटिंग एरिया का, स्टेयर्स का, रूम्स का, वो भी नज़र आता है यहाँ से। इस तरफ जो है प्रॉपर रूफ तक जो है वो स्टोन टाइल का यूज़ किया गया है और मार्बल देख सकते हैं आप कितनी ग्लॉसी फिनिशिंग के अंदर है, टाइल सारी इटालियन यूज़ की गई है। अच्छा, तो व्यूअर्स यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हैं, बहुत ही लग्जरी एक लुक आती है यहाँ से, कलर कम्बिनेशन, कलर कंट्रास्ट और उसका व्यू। सामने 2 बेडरूम्स हैं, ठीक है, टोटल 5 बेडरूम्स की घर में अकोमोडेशन है। 2 बेडरूम ग्राउंड फ्लोर में है और 3 बेडरूम जो है अपर फ्लोर में है। सामने मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है और ये भी इसके सीटिंग एरिया जो है डबल रूफ रखी गई, डबल हाइटेड रखा गया इसका यहाँ पे, और एक बहुत ही आपको स्पेशियस यहाँ पे सीन नज़र आता है। और इस तरफ जो है ओपन किचन रखा गया, ओपन किचन में जो है बहुत ही आउट क्लास जो है इन्होंने मटेरियल यूज़ किया सारा, ये आप देख सकते हैं। इसका मार्बल आप चेक करें कितना, मतलब कि आउट क्लास फिनिशिंग के अंदर मार्बल आ जाता है। शीट आप चेक करें, सारी वाटरप्रूफ है। और स्टोव और इसके अंदर हुड इंस्टॉल किया गया है। सामने जो है माइक्रोवेव ओवन है और साथ जो है ना डबल डोर रेफ्रिजरेटर की जगह रखी गई है, लेकिन ये भी आपको इंस्टॉल करके देंगे। और साथ ही इसके अटैच डेटी किचन आ जाता है, इसके में सारी एक्सेसरीज जो है वो इंस्टॉल्ड है। ये इसकी स्टेयर्स आ जाती हैं अपर फ्लोर के लिए और ये सामने इन्होंने वॉल कुछ ऐसी डिज़ाइन की हुई है। और ये बेडरूम फर्स्ट आ जाता है, बेडरूम फर्स्ट आप देख सकते हैं इसका सीलिंग डिज़ाइन, और सामने इसकी वॉल आ जाती है कुछ तरह की डिज़ाइन की गई है।
और इस तरफ जो है कैबिनेट सारी इंस्टॉल की हुई है, सारी मटेरियल जो है वो सब इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज़ किया गया है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ की गई है। और इसका वॉशरूम की जो डिमेंशन हैं आप खुद भी देख सकते हैं कि कितनी स्पेशियस रखी गई है। सामने वॉल हैंगिंग कमोड रखा गया है, इसका वैनिटी मिरर आ जाता है और इस तरफ जो है वो शॉवर एरिया आ जाता है। अच्छा तो व्यूअर्स हम चलते हैं अब सेकंड बेडरूम की तरफ। ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और सामने जो है वो कर्टन वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। सेमी फर्निश्ड जो है घर है ये, और इसकी कैबिनेट्स जो है रूम के अंदर आ जाती हैं और ये इसका वॉशरूम आ जाता है। सामने फुल मिरर रखा गया है डबल बेड के लिए और डबल शैंक के साथ, और सामने जो आ जाता है शावर एरिया और इस तरफ वॉल हैंगिंग कमोड आ जाता है, और इसकी डायमेंशन भी जो है वॉशरूम की बहुत अच्छी रखी गई है। अच्छा तो व्यूअर्स चलते हैं हम अपर फ्लोर की तरफ, और इस घर की आप यहाँ से इसकी व्यू चेक करें कि इन्होंने घर को डिजाइन किस तरीके से किया हुआ सारा। घर में बहुत मेहनत की गई है, बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया गया है, फ्लोर प्लान बहुत अच्छे रखे गए हैं। इधर इन्होंने अभी खाली रखा है लेकिन ये इस तरफ आएगा ग्रीन एरिया सारा। चलते हैं अपर फ्लोर की तरफ, और ये सामने आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगाए हैं। आर्टिफिशियल तो नहीं है लेकिन ये इनडोर प्लांट्स हैं। और हम अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको ऐसा कुछ व्यू नज़र आता है अपर फ्लोर से। सामने जो है इन्होंने शैंगलियर अभी लगाना है बड़ा सा, जिसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा नज़र आएगी। और ये अभी ऑनर लगा के देंगे, अभी तो बस फिनिशिंग मोड में आया है घर, तो बस छोटी मोटी एक्सेसरीज हैं वो रह गई हैं। और इस तरफ देखें आप व्यूवर्स, छोटा सा ब्रिज बनाया गया है इस रूम की तरफ जाने के लिए। पहले मैं आपको इस रूम का विजिट करवाता हूँ और साइड से आपको इस रूम में जाते कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। ये देखें बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है यहाँ से। इस तरफ आते हैं हम तो ये अपर फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम आ जाता है, और इस तरफ ही विंडो रखी गई है बड़ी, आप देख सकते हैं दिन के टाइम इधर से बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आता है। एक ग्रीनरी ग्रीन एरिया हर तरफ सराउंडिंग में, और इस तरफ इन्होंने एक बड़ा सा मिरर लगाया है जो आपको रूम से भी जो है आपको टीवी लाउंज का और नीचे का सारा एरिया नज़र आता है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ इसकी कैबिनेट्स आ जाती हैं, और ये इसका साथ अटैच वॉशरूम आ जाता है। सामने मिरर आ जाता है, वैनिटी आ जाती है, और ये देखना फैन कवर है, कमोड आ जाता है, और ये साथ में हमने टैब वगैरह जो है वो रखा है। और इस रूम के साथ ये अटैच टेरेस दिया गया है। रात का टाइम है और टेरेस की भी लाइट नहीं जा रही, लेकिन आपको आइडिया हो सकता है कि यह बहुत हाइट की लोकेशन है, आपको पूरा व्यू नज़र आता है इस्लामाबाद का यहाँ से। और सामने जो है डबल मेन हाईवे है, हाईवे के साथ ही बिल्कुल ये घर है, बहुत ही टॉप और आउट क्लास लोकेशन के साथ है ये। चलते हैं व्यूअर्स हम इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये इसका सेकंड बेडरूम आ जाता है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, और सामने जो है बड़ी विंडो रखी गई है, और इस तरफ भी विंडो है मतलब क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। सामने बड़ा सा मिरर दिया गया रूम के अंदर, और आप इसकी डेकोरेशन चेक कर सकते हैं रूम के अंदर इन्होंने कैसा काम किया और कैसे इन्होंने मतलब कि सोच के साथ आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छा हायर किया इस घर को डिज़ाइन करने के लिए। सामने आपको एक बहुत अच्छा व्यू लग्जरी व्यू नज़र आ रहा है, और इस तरफ भी जो है व्यूअर्स इस रूम के साथ भी अटैच टेरेस है बाइक को जाने के लिए, और उस रूम के साथ भी अटैच टेरेस है, दोनों रूम के साथ अटैच टेरेस आ जाता है, और यहाँ से भी आपको कुछ ऐसा व्यू नज़र आता है। रात का टाइम है सॉरी व्यूअर्स के आपको सराउंडिंग का एरिया सही से नज़र नहीं आया होगा, लेकिन आपको खाने का मकसद ये है कि घर की लाइट्स वगैरह सामने जो लाइट्स आ रही है सराउंडिंग में, उससे आइडिया होगा कि कितनी हाइट की लोकेशन में आते हैं। और ये इसका वॉशरूम आ जाता है अटैच वॉशरूम, और बहुत ही अच्छी डायमेंशन रखी है, सामने इतनी बड़ी विंडो रखी गई है वॉशरूम के अंदर भी, और साथ ही इसके इधर शॉवर एरिया आ जाता है, ये इसका कुछ सीलिंग डिज़ाइन ऐसा आ जाता है। चले तो व्यूअर्स चलते हैं इसके लास्ट और थर्ड बेडरूम की तरफ।
ये इसका थर्ड बेडरूम आ जाता है, इसका सीलिंग डिज़ाइन कुछ ऐसा रखा गया है। और फ्लोर आप देख सकते हैं टोटली वुडन फ्लोर है इसके अंदर, हर रूम के अंदर वुडन फ्लोर रखा गया है। और ये यहाँ से इसकी कुछ ऐसी लुक नज़र आती है। और इसके अंदर भी जो है कैबिनेट्स जो हैं अंदर इंस्टॉल की गई हैं रूम के अंदर। और इसका जो है वॉशिंग डिज़ाइन ऐसा है, इसका सीलिंग डिज़ाइन, सामने इसका बड़ा मिरर और इसकी वैरायटी आ जाती है, और सामने शॉवर एरिया सारा कंसील्ड फिटिंग के अंदर। डोर इसके देख लें आप, मेन डोर देख लें, हर चीज़ इंपॉर्टेंट यूज़ की गई है। सामने थोड़ा सा ओपन एरिया रखा गया इस तरफ, और इस तरफ जो है ना ये सिटिंग एरिया, और अपर फ्लोर का साथ जो है अभी मीडिया वॉल यहाँ पे डिज़ाइन होगी। और घर का व्यू यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है आपको, घर का पूरा ओवर व्यू। हाँ, जिस भी एंगल पर खड़े होते हैं आप, आपको जो है ना हर एंगल से घर का पूरा व्यू नज़र आएगा। घर को बहुत ही अच्छा लग्जरी और बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है, बिल्कुल ब्रांड नहीं हुए हैं, अभी इसकी फिनिशिंग हुई है। यहाँ पे एक बड़ा सा शेंगलर आएगा तो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा तो व्यूअर्स, ये घर जो है ना DHFS 5 इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ऑनर इसकी घर की डिमांड करते हैं 12 करोड़, निगोशिएबल है, ठीक है। और आप दिए गए नंबर्स पे रابطہ कर सकते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आपको प्रोवाइड कर देंगे हम, और हमारी टीम से आप रابطہ कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। और व्यूअर्स, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और आप ही के लिए हम इतने अच्छे घर ढूंढ के लेकर आते हैं, आपको ही जो है ना थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, तो काइंडली आप ही थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दीजिए लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाली फर्दर हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।